नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत नायडू। मैं आपके पास एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो आपका पैसा बचा सकता है। कैसे? मुझे पता है लॉकडाउन की परिस्थिति में आप सब लोग घर पे बैठे हुए एंड आई नो कि आप अपनी गाड़ियों को ड्राइव नहीं कर पा रहे। इस कारण से आप 10-10, 15-15 दिन अपने कार को स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। आपको पता है होता क्या है इस सिचुएशन में? गाड़ी की बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो सकती है, बैटरी डाउन हो सकती है, और इसे चालू करवाने के लिए आपको मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, कार मैकेनिक, या फिर ऑथोराइज सर्विस सेंटर में फ़ोन करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप कम से कम 400 से 1000-1200 रुपये तक खर्च करेंगे। दोस्तों, सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बताऊँगा, एक लॉजिक बताऊँगा, उस बेस पर आपकी गाड़ी की बैटरी कभी डाउन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लॉजिक समझिए। कार की बैटरी डाउन होती क्यों है? बिकॉज कार में एक अल्टरनेटर नाम की डिवाइस होती है जो कार चलते चलते इंजन से पावर लेता है और अपनी कार की बैटरी को हमेशा रिचार्ज करते रहता है। बट जब गाड़ी नहीं चलती है तो अल्टरनेटर काम नहीं कर सकता, इस वजह से बैटरी डाउन होती है। अभी आपका गाड़ी 10-15 दिन के लिए बंद है तो ऑब्वियस बात है कि बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन आउट होने का पूरा चांस है। आपको करना क्या है सोल्यूशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ। नीचे आइए, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, 5 से 10 मिनट तक उस गाड़ी को ड्राइव करके वापस बंद करके अपने घर चले जाइए। अगर ये आप नहीं कर सकते, नीचे आइए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, 5 से 10 मिनट तक कार में बैठे बैठे उसको रेस कीजिएगा। क्यों? वो अल्टरनेटर वापस बैटरी को रिचार्ज कर देगा। दोस्तों, अगर इस छोटे से टेक्निक को, गाड़ी का बैटरी चालू रहेगा हमेशा, आप पैसे बचा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ऐसे कठिन परिस्थितियों में ये वीडियो लोगों का मदद कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कम्प्लीट वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी बहुत सारे ऑटोमोटिव नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।